हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आप पतंजलि एलोवेरा जेल घर पर ही कैसे बनाएं और बहुत ही आसानी से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ले रहे हैं एक एलोवेरा जेल का पौधा। तो उसके हम दो तीन पत्तियां हैं उन्हें निकाल लेते हैं नाइफ़ की मदद से। इस तरह से आप इनको निकाल लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इनको निकाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये पत्ती है जैसे, तो इसमें हम नाइफ को लेकर इसकी साइड है कट करेंगे। ऐसे आप धीरे 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 कर कर इसके जो कांटे हैं साइडों के उन्हें हटा देते हैं। एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसमें विटामिन ई होता है और मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आप इस तरह से इसको ऊपर की साइड को भी निकाल लीजिए। इसको निकालने के बाद हम इसका पल्प है, पल्प निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी नाइफ कर लीजिए और इस तरह से इसका जो पल्प है उसको निकाल लीजिए। चम्मच की मदद से भी आप इसको निकाल सकते हैं और नाइफ की मदद से भी। तो अभी मैं इसमें नाइफ की मदद से ही निकाल लेती हूँ। ये देखिए एकदम पारदर्शक होता है, क्रिस्टल की तरह चमकता भी है और बहुत ही सुंदर दिखता है देखने में। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा हो गया है हमारा। अब हम इसको एक ब्लेंडर में, मिक्सी में पीस लेते हैं। इसका जूस की तरह हमें इसका जूस निकाल लेना है। एक ब्लेंडर में इसको डालकर और मिक्सी चला दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चला दिया है और अब मेरा ये ऐसे बनकर निकल आया है, बिल्कुल जूस की तरह हो रहा है। आप एलोवेरा जेल को, फ्रेश एलोवेरा जेल को खा भी सकते हो, इसको खाते भी हैं बहुत सारे लोग और इसको लगाते भी हैं। ये देखिए मैंने निकाल लिया है और इसका जूस भी पी सकते हैं हम। अब हम इसमें विटामिन ई का कैप्सूल डालेंगे जिससे हम इसको ज़्यादा दिनों तक स्टोर कर सकें। तो हम इसमें विटामिन ई ऑयल डालेंगे और इससे हम अपने एलोवेरा जेल को 15-20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम दो कैप्सूल डाल देते हैं विटामिन ई के कैप्सूल के। यह हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्किन के लिए, बालों के लिए। दो डाल दीजिए आप। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमने डाल दिए हैं हमारे बालों के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एक प्रकार का कंडीशनर की तरह काम करता है, समझ लीजिए हमने कंडीशनर लगाया है। इससे बाल आपके बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे और शाइनी। अब देखिए, एक नेट का कपड़ा ले लीजिए और उससे इसको छान लीजिए, जिससे जो इसके अंदर जो ग्रीन ग्रीन पार्टिकल्स जो भी होगा वो निकल जाएंगे। एक कंटेनर में आप इसको निकाल लीजिए, ऐसे कर कर आप इसको पूरा निकाल लीजिए। ये देखिए मैंने निकाल लिया है सारा एलोवेरा जेल और जो उसका पार्टिकल्स थे बड़े बड़े वो मैंने निकाल के फेंक दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर, ये नेचुरल कलर है अभी इसका। और अगर आप इसको पतंजलि का बिल्कुल वैसा ही बनाना चाहो तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा, लिटिल बिट फूड कलर डाल दीजिए आप इसमें और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, जिससे जो इसका कलर है वो ग्रीन हो जाए एलोवेरा जेल की तरह पतंजलि वाला। आप घर में ही बना सकते हैं एलोवेरा जेल और बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए इसका कलर और इसका कलर बिल्कुल सेम है, ये देख लीजिए फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।